टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी सितारे हैं, वो सभी चाहते हैं कि वो अगर फेमस हों तो अपने काम को लेकर इसलिए सभी अपने काम को अच्छा दिखाने के लिए मेहनत करते हैं और अपने काम के चलते ही लाइमलाइट का हिस्सा बने रहते हैं लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि टीवी के कुछ सितारे ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में आना चाहते हैं पर अपने काम के साथ वो लाइमलाइट का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं इसलिए वो लाइमलाइट में आने के लिए बेतुकी हरकत कर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं तो आखिरकार कौन कौन से है वो सितारे आइए जानते हैं उनके बारे में नंबर वन रिमशेख तुझसे है राफ्ता फेम एक्ट्रेस रिमशेख की अगर बात करें तो ये ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में आने के चक्कर में अपने से बड़ी उम्र के अभिनेताओं के साथ सीरियलों में काम करने के लिए राजी हो जाती है जहां पहले इन्होंने अभिनेता सहबान अजीम के साथ रोमांस किया था और अब वो अभिनेता जैन इमाम के साथ लाइमलाइट में आने वाले है नंबर टू करण वी ग्रोवर उडारिया सीरियल में भले ही अभिनेता करण वी ग्रोवर अपनी ऑन स्क्रीन पार्टनर प्रियंका चाह चौधरी के प्यार में दीवाने हैं लेकिन लाइमलाइट में ज्यादा से ज्यादा आने के चक्कर में अब ये उन्हें रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं जी हां खबरों के मुताबिक ये दोनों सुर्खियों में बने हुए हैं नंबर थ्री सुम्बुल तौकीर दोस्तों आपने इमली सीरियल के पिछले एपिसोड में एक्ट्रेस सुम्बुल तोकिर को हरी मिर्ची खाते हुए जरूर देखा होगा जी हाँ उन्होंने रियल लाइफ में नहीं बल्कि अपने सीन्स को रियल दिखाने के लिए उन्होंने सचमुच हरी मिर्चियाँ खाई थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में आ सके और ऐसा हुआ भी नंबर फोर जैन इमाम इस बात में कोई शक नहीं है कि एक्टर जैन इमाम जल्द ही अपने नए शो फना इश्क में मर जावा का हिस्सा बनने वाले हैं और इस शो का अहम हिस्सा बनने के लिए और वो ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में आना चाहते हैं जिसके लिए वो कम फीस लेने को भी तैयार हो गए हैं नंबर फाइव श्रद्धा आर्या कुंडली भाग्य फेम एक्ट्रेस श्रद्धा आर्य की अगर बात करें तो वो भी ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में आने के लिए अपनी नई नई शादी को लेकर खूब सुर्खियों में बनी हुई है इसी के साथ वो अपने हस्बैंड राहुल के साथ अपना हनीमून मनाने के लिए मालदीव की खूबसूरत वादियों में घूम रही है जिसकी खूबसूरत बोल्ड पिक्स उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की है नंबर सिक्स मोनी रॉय अपने बोल्डनेस के चलते सभी को अपना दीवाना बनाने वाली मोनी रॉय भी आज ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में आने के लिए अपने बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार के साथ खूब सुर्खिया बटोर रही है अक्सर वो सोशल मीडिया पर उनके साथ अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर कर रही है जिनके साथ ही इन्हें रोमांस करते हुए देखा जा रहा है नंबर सेवन शाइनी दोषी पांड्या स्टोर सीरियल में धारा की अहम भूमिका निभा रही एक्ट्रेस शाइनी दोषी को आज छोटे छोटे कपड़ों में देखा जा रहा है जिन्हें सभी बोल्ड लुक में बहुत पसंद कर रहे हैं और वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में आने के लिए कर रही हैं। नंबर एट किन्शुक महाजन टीवी के मोस्ट हैंडसम अभिनेता किन्शुक महाजन भी लाइमलाइट में आने के चक्कर में जबरदस्त ऐसी इस शो का हिस्सा बने हुए हैं उन्हें तो इस शो में काम करना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा पर उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है नंबर नाइन हर्षद चोपड़ा दोस्तों अगर आप इन दिनों ये रिश्ता क्या कहलाता है शो देख रहे होंगे तो आपको उसमें हर्षद चोपड़ा अभिमन्यु के किरदार में नजर आ रहे होंगे और इस किरदार को भले ही वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में आने के लिए उन्हें अपने से कम उम्र की एक्ट्रेस प्रणाली राठौर के साथ ऑन स्क्रीन काम करना पड़ रहा है नंबर टेन प्रणाली राठौर ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में अक्षरा बनकर हर किसी के दिलों पर राज कर रही प्रणाली राठौर भी ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में आने के चक्कर में अपने से बड़े उम्र के अभिनेता हर्षद चोपड़ा के साथ रोमांस कर रही है और उन्हें ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ रहा है वेल दोस्तों क्या ये सितारे लाइमलाइट में आने के चक्कर में ऐसी हरकतें करके सही कर रहे हैं या गलत आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले